सो हेलो जी, व्हाट इज़ अप, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आपने लास्ट व्लॉग में तो देखा ही होगा कि मैं ना अपनी लाइफ की पहली सोलो ट्रिप पे निकला था, और हमारी ये पहली सोलो ट्रिप कहीं ज़्यादा दूर की नहीं थी। ये ट्रिप थी हमारे पड़ोस के शहर शाहजहांपुर की। तो मैं अपने घर से सुबह पकड़ता हूँ ट्रेन और पहुँच जाता हूँ शाहजहांपुर, और शाहजहांपुर में भी हमें जाना है वहाँ के हनुमत धाम। तो रेलवे स्टेशन पर उतर के ऑटो करके मैं पहुँच जाता हूँ हनुमत धाम। भाई फाइनली हनुमान धाम पहुंच चुके हैं। मैंने व्लॉग नहीं शूट किया, मैं पहुंच गया हूँ यहाँ आधे घंटे का। चेक दिस आउट, कितनी प्यारी लोकेशन है, क्लियर मतलब इतनी ज़्यादा शांत है, अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आगे से बैठे हुए हैं, बट एक दिक्कत है, मेन जो वहाँ मंदिर में जाने का रास्ता है ना, वो बंद कर दिया गया है। चार बजे तरफ आना, अब ये 4 बजे खुलेगा। अभी आप पूरे एरिया में घूम सकते हैं, बट आप बस उसे क्रॉस करके वहाँ मूर्ति के पास नीचे नहीं जा सकते। वहाँ पे एक्चुअली नीचे एक मंदिर बना हुआ है, वहाँ पे बजरंगबली के दर्शन होते हैं, प्रसाद वसाद चढ़ाया जाता है, बट वो तो बंद है। लेकिन इधर साइड भी छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, अभी चलेंगे उधर ही प्रसाद चढ़ा देंगे। यहाँ नहीं चढ़ा पाए तो क्या हुआ। ये देखो भाई साहब, ये पुल है उधर जाने का, जो कि अभी बंद कर दिया गया। बाकी मैं अभी पूरा गोल टहल रहा हूँ, कैसा लग रहा है ये, बढ़िया लग रहा है। सब लोग उधर बैठे हुए हैं छाँव में, क्योंकि बहुत ठंडी हवा आ रही, नदी है ना। एक्चुअली ये जो नदी बह रही है ना, इसके चारों तरफ, इसे बोला जाता है खन्नौत नदी। शाहजहाँपुर जो है दो नदियों के बीच में बसा हुआ है, एक है खन्नौत और दूसरी है गर्रा। तो ये खन्नौत नदी है, और इसको ना यहाँ के जो विधायक नेता हैं, शायद सुरेश खन्ना जी, उनका सपना था बनाने का, और उन्होंने 2003 में जो था इसको बनवाना शुरू करा था। एंड ये ना कुछ 12 साल में कंप्लीट बन पाई थी, अभी भी कंप्लीट नहीं हो पाई है। अभी भी आप देख रहे होंगे ये घाट जो है पूरे नए बनाए जा रहे हैं इसको, बेसिकली ये बहुत ही बड़ा टूरिस्ट प्लेस बना रहे हैं। तो देखो जल्दी बन जाएगा, लेकिन सच में शाहजहांपुर में बेस्ट लोकेशन है चिल करने के लिए। अगर तुम हरदोई या आस पड़ोस के किसी भी जिले से देख रहे हो ना, तो तुम आ सकते हो एक दिन अपनी फैमिली के साथ चिल करने के लिए, बेस्ट लोकेशन है यार। घूमने फिरने आओगे तो आओगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है चिल मिलता है यहाँ पे ना, पीस मिलता है। और भाई साहब मैं तो पीस का भूखा हूँ, मेरे को जहाँ पीस मिलेगा मैं तो वहाँ जाऊँगा। मेरे को यहाँ पे लिटरली पीस मिल रहा है, वो भी सोलो अकेले आया हूँ, तो और अच्छा लग रहा है। और मेरे को ना यहाँ की एक चीज़ और अच्छी लगी जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, यहाँ पे हिंदूज तो सब बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे मुस्लिम्स भी काफी सारे बैठे हुए हैं भाई। एंड यही है यार हमारा भारत देश, हर कोई मिलजुल के रहता है। बाकी वो सब जो होता है वो तो सब यार पॉलिटिक्स का खेल है, बट इन रियलिटी बहुत ही मिलजुल के सब रहते हैं। तुम लोग देख रहे होगे पीछे पूरा घाट में चलते हुए आ गया हूँ, जो कि आधा किलोमीटर का है, कोई भी नहीं है, बस मैं ही टहल रहा हूँ। सब लोग उधर आराम से छांव में बैठे हुए, ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना नदी के किनारे। बट हाँ यार काफी सुंदर बना रखा है, पूरा घाट खाली है। जब शाम आम होती होगी ना, तब यहाँ पे बड़ा अच्छा लगेगा। जब इसे पूरा बेसिकली बना देंगे काफ़ी अच्छा लगेगा। लाइक अभी देखो पीछे जो है नदी जा रही है, बट एक दिक्कत है, नदी में ना नाला मिल जाता है। यहाँ पे लोग मेरे को बता रहे थे कि इस वाली नदी में ना यहाँ 2-3 नाले खोल रखे हैं, इस वजह से थोड़ा सा गंदा पानी है। यही दिक्कत है भाई, अब इन सब चीज़ों पर अगर काम हो जाए तो फिर क्या ही कहने, मज़ा ही आ जाए। मेरे हिसाब से सरकार को एक चीज़ करनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, बस नदियों में नाले ना मिल पाए। मेरे को बस यार एक चीज़ का दुख लगता है कि हम लोग इतने मिशन चला रहे हैं ये वो नदी वाले, बट तब भी यार काफ़ी सारी नदियों में नाले मिल रहे हैं। सब छोड़ दो गंगा मैया में अभी भी कई सारे नाले मिलते हैं यार, तो ये देख के थोड़ा सा दुख लगता है। बट हाँ देखो क्या पता धीरे धीरे समझ में आए, धीरे धीरे सही हो। बाकी अब जो है मैं पूरे एंड पे आ चुका हूँ हनुमत धाम के जस्ट पीछे, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ भैंस ना रही है, पूरी भैंस भाई साहब ना रही है। बट हाँ मस्त लोकेशन है, फैमिली के साथ आ सकते हो पिकनिक बनाने के लिए। चलो भाई पीछे तक तो घूम लिया, आप चल के एक बार आगे भी अच्छे से घूम लेता हूँ। मैं पहला ऐसा बंदा हूँ जो पूरा पीछे का दिखा रहा है, आगे का बाद में दिखा रहा है। बिकॉज जब मैं आया था ना, मैं इतना ज्यादा मन मुग्ध हो गया था कि मैं वहाँ पे आधा घंटा तक बस बैठा ही रहा, बस देखता रहा कि यार इतनी सुंदर जगह। तो अब चलते हैं अच्छे से दिखाते हैं आपको यार। तो हम आगे वाले हिस्से में आ चुके हैं, और ये देखो हनुमत धाम आश्रय स्थल विश्राम घाट। अब मेरे को लग रहा है शायद ये यहाँ पे आश्रम टाइप का बना रखा है रुकने के लिए, जानकारी लेता हूँ यार। चलो ये क्या है, एसी सार्वजनिक सुलभ शौचालय है। शौचालय में एसी कब से लगने लगी भाई, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। यहाँ रुकने का भैया कुछ चार्ज रहता है क्या, फैमिली को लाकर रुक सकते हैं आराम से, क्या सीन है? जो बाहर वाले हैं उनके लिए, लोकल वालों नहीं, मतलब बाहर से हरदोई से आए हैं उनके लिए रुक सकते हैं, आधार की फोटो कॉपी लेके आना पड़ेगा। ये जो यहाँ पे आश्रय स्थल बना हुआ है ना, यहाँ पे आप फ्री में रुक सकते हैं। अगर आप बाहर से आए हो, ये नहीं शाहजहांपुर वाले लोग यहाँ पे रुक जाओ, जो बाहर से आए हुए हैं ना वो लोग रुक सकते हैं। अगर आप फैमिली के साथ आए तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रूम मिलेगा। एंड अगर आप अकेले आए ना, तो जैसे नहीं डॉर्मेट्री में बेड्स मिलते हैं, तो यहाँ पे बेड्स भी मिलेंगे। बढ़िया यार, ये तो पता ही नहीं था।
तो ये बढ़िया, शाहजहांपुर आके कभी भी चिल कर सकते हो। होटल वोटल ना मिलना हो ना कभी शाहजहांपुर में, यहाँ के रुक जाओ, बेस्ट है। आराम से सुबह सुबह इतने अच्छे अच्छे व्यू मिलेंगे। ये चीज़ मेरे को बड़ी मस्त लगी। फिलहाल जो है हम आगे साइड आ चुके हैं। अब चलो भाई साहब आपको आगे का अच्छे से घुमाते हैं पूरा कि कैसा है यहाँ पे। तो इस समय हम जो है आगे साइड आ चुके हैं। जब भी आप एंट्री लेंगे ना वहाँ से, तो यहाँ पे जो है आपको काफी सारी दुकानें देखने को मिलेंगी। एंड यहाँ पर भी जो है हनुमान जी का मंदिर है, आप यहाँ पर भी दर्शन वर्शन कर सकते हैं। मेरी फेवरेट लोकेशन तो ये रही, यहाँ से व्यू चेक करें आप। एंड नीचे ना बच्चे यहाँ पे नहा भी रहे हैं यार। नीचे चलते हैं यार, चलो नीचे चल के बात करते हैं। ये देखो यहाँ पे ना भाई साहब ज्यादा गहरी भी नदी नहीं है, बच्चे आराम से खड़े हो सकते हैं। हाँ तो भाई मैं यहाँ रुको, वीडियो बना रहे हैं अभी। हाँ तो भाई मैं यहाँ पे अभी बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे बच्चे नहा रहे हैं, हे कर रहे हैं। सर मैं यहाँ पे बैठ के बस चिली कर रहा हूँ। एंड हमें यहाँ पे दो हमारे दोस्त बन गए छोटे छोटे से, क्या नाम है वीरा, तुम्हारा क्या नाम है? तो भाई साहब ये दोनों दोस्त मिल गए, काफी देर से हम लोग यहाँ पे बातें कर रहे हैं और इस व्यू का आनंद ले रहे हैं। मौसम भी काफी अच्छा हो गया, बच्चे सामने नहा भी रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे ना काफी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो समझ लो तनिष्क भैया ने तुम लोगों को सजेस्ट किया है कि शाहजहांपुर आके एक पूरा दिन हनुमत धाम में देना, बहुत अच्छा लगेगा, मन को शांति मिलेगी यार। अच्छा लगता है यहाँ पे? ये तुमने कहाँ से लगवाया यार? ये जो टीका लगाया पूरा राम राम वाला, अभी लगवा लेंगे, चल के बाद में लगवाएंगे यार। मेरी लेकिन दाढ़ी है यार, पता दाढ़ी पे लगता है मुंह थोड़ा सा भर जाता है। नहीं यहाँ पर लगेगा, जहाँ पे लगेगा। चलो अच्छा लगवाएंगे, देखेंगे अभी। अपना टाइम जो है 2-3 घंटे व्यतीत किया, व्लॉग कम शूट किया, बट मेरे को ना यहाँ पे पीस लिटरली बहुत ज़्यादा मिली। सोलो ट्रैवलिंग में यही होता है कि आपके साथ कोई होता नहीं है बात करने वाला, आपको अपने अंदर मन में ही बात करनी होती है, बहुत कुछ देखते हो, बहुत कुछ सीखते हो। तो भैया काफ़ी अच्छा लगा यार मेरे को। अब मैं सोच रहा हूँ यहाँ से चलूँ, क्योंकि क्या यहीं बैठा रहूँगा। और शाहजहांपुर में मैंने पता किया और ऐसा कुछ घूमने वाला नहीं है, एक शहीद पार्क है। अब पार्क में मैं कह जाऊँगा, मेरी शाहजहांपुर में ना दो बुआ रहती हैं। अब मैं सोच रहा हूँ भाई कि बुआ क्या हुआ आता हूँ जाके, एक बुआ क्या हो पाऊँगा, एक क्या तो नहीं जा पाऊँगा। तो एक बुआ क्या हुआ आता हूँ, उनका भी कॉल भी आता। और मेरे को अभी सांप दिखा भाई, जस्ट जस्ट अभी रुको जूम करके दिखा रहा। ये जो पानी में अभी उथल पुथल हो रही ना, ये यहाँ पे जस्ट अभी सांप की मुंडी निकल गया। ये देखो निकला, ये देख निकला भाई, कैप्चर कर लिया। पानी वाला सांप होगा वैसे, पनीला वाला। हाँ तो मैं भाई सोच रहा हूँ कि चलो भाई चलते हैं अपनी बुआ के यहाँ। वैसे भी यहाँ बैठे बैठे मैंने 2 बजा दिए हैं, अब थोड़ी देर बुआ के यहाँ चलेंगे, यहाँ से दूर है थोड़ा। फिर शाम को हमारी ट्रेन भी 6 बजे की, फिर हरदोई निकल जाएंगे। कल मेरे को फिर से एक जगह जाना है लखनऊ, और लखनऊ से बहुत ही तगड़ा कंटेंट लेके आने वाले हैं अब की बार हम लोग, जैसा तुम लोगों को पसंद आ रहा है। तो यार मैं बस यहाँ से जाने वाला था कि मेरे को याद है थंबनेल के लिए फ़ोटो तो ले लें, और जब आप अकेले आते हैं ना थंबनेल्स के लिए फ़ोटो लेना इज़ वेरी टफ थिंग यार। बट जैसे तैसे करके थंबनेल के लिए फ़ोटो ले ली है, एक दो भैया मिले थे उनसे कहा, कोई यार फोटो थंबनेल के ढंग की ले ही नहीं पाता, थंबनेल के ना बिल्कुल परफेक्ट फोटो चाहिए होती है। बट हाँ जैसे तैसे करके ले लिए, किस भाई ने हमारे ले लिया वो भी सही फोटो, तो उसे एडिट करके जैसे तैसे लगा लेंगे। फिलहाल जो है बस हम नदी में ऐसे पैर डाल के बैठे हैं, सब लोग उत्तिया से डाल के बैठ रहे थे बट हम नहीं बैठे, तो बस अब कुछ देर बैठते हैं और चलते हैं। लिटरली यार यहाँ से जाने का मन नहीं हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा पीसफुल जगह है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ना यहाँ पे पूरा दिन बिता सकता हूँ अपना। तो मैं बस हनुमत धाम से निकल ही रहा था, बुआ का कॉल आया, बुआ बता रही थी यहाँ पे ना एक माँ काली का मंदिर है। बस हनुमत धाम के जब आप इधर आएंगे आश्रम के साइड में, यहाँ पे दर्शन कर लेना, बट ये भी अभी बंद है, उन्होंने बोला था बाहर से माथा टेक लेना, तो यहाँ पर भी माथा टेक लिया। भैया मैं जा रहा हूँ अपनी बुआ के यहाँ, जब मैं 5 साल का था तब गया था, 5 या 6 साल का, और आज जा रहा हूँ इतने साल बाद, मेरे को रास्ता भी नहीं पता है, अभी उनसे पूछा है तो ऑटो करते हैं और चलते हैं। तो भाई हनुमत धाम से निकल आए हैं, जस्ट ये अभी एक है मोर की आइसक्रीम, बटर स्कॉच आइसक्रीम खाएंगे, इतनी गर्मी थोड़ा सा राहत मिलती है, फिर चलते हैं बुआ के यहाँ यार। तो आइसक्रीम खाने के बाद मैं निकल जाता हूँ ऑटो से बुआ के यहाँ के लिए, और पहुँच जाता हूँ उनके मोहल्ले में। अब मेरे को एड्रेस तो पता नहीं था, तो मैं उनसे कॉल करके पूछता हूँ कि भाई साहब आना कहाँ पर है। तो भाई फाइनली ऑटो से उतर चुका हूँ, ऑटो भी मेरे पीछे पीछे आ रहा, इधर गली में घर है पता नहीं है, जैन मंदिर कुछ बताया उसके आस पड़ोस में, तो वहाँ तक चलते हैं। यही है।
सुबह फाइनली बुआ के यहाँ आ गए हैं। फिलहाल थोड़ी देर बैठा, रेस्ट वेस्ट किया, अभी छत पे आए हैं देखने के लिए। मैं बताया था ना, बहुत छोटे पे आया था, जब मैं 5-6 साल का हुआ होगा, मेरे को ढंग से याद भी नहीं, बट आज आया हूँ देख रहा हूँ। और बिटिया यहाँ पे कपड़े सुखा रही हैं, गौर से देखिए लड़कियों को, लड़कियाँ यही काम करती हैं आखिर में, चाहे जितना पढ़ लिख लें लेकिन कपड़े सुखाना है उन्हें। तुम भले बेटा DM बन जाओ लेकिन तब भी तुम्हें कपड़े सुखाने होंगे। हाँ तो अपनी बहन की थोड़ी सी बेइज्जती करने के बाद थोड़ी देर बैठते हैं, हंसी मजाक करते हैं, चाय आए पीते हैं, उसके बाद फिर से थोड़ी देर बातें आते करते हैं और फिर सबको टाटा करके निकल जाते हैं बुआ के घर से। फाइनली बुआ के यहाँ से निकल चुके हैं एंड अब मेरे को जाना है रेलवे स्टेशन, जो कि 7 किलोमीटर दूर है यहाँ से काफ़ी। 6 बजे की ट्रेन है, 5 बज रहा है, पहुँच तो जाएंगे, देखेंगे। बाकी यहाँ मैंने बुआ के यहाँ ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं किया, बिकॉज इतने दिनों बाद मिलते हैं तो बैठ के बात याद करेंगे, व्लॉग क्या ही शूट करेंगे। पठान काफ़ी अच्छा लगा, आज का दिन बहुत ही मस्त गया, मस्त लग रहा है यार अकेले ट्रैवल करने में। एंड मैं भी कहना चाहूँगा जितने भी ट्वेल्थ कर चुके हो ना भाइयों, थोड़ा सा टहलो यार, टहलो के बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो रोड पे आके मैं ऑटो करता हूँ, बहुत ही मुश्किलों से यार ये ऑटो मिला, कोई जाने को तैयार ही नहीं था, बट फाइनली एक मिल गया और इसमें बहुत ही कम जगह में मैं बैठा हुआ हूँ। फिलहाल जैसे तैसे करके जो था ऑटो वाला हमें बस अड्डे के पास उतार देता है एंड बस अड्डे से हम पैदल जाते हैं रेलवे स्टेशन की तरफ। जस्ट रीच रेलवे स्टेशन, टिकट भी ले लिया, ट्रेन थोड़ी लेट में आ रही है, भूख लग रही है, कुछ खा लेता हूँ यार पहले, फिर जाऊँगा अंदर। स्टेशन के पास में ही एक साफ सुथरा टिक्की का ठेला लगा था, तो वहाँ पे मैं खाता हूँ टिक्की जो कि टेस्टी थी। फिर मैं आके रेलवे स्टेशन पे बैठ जाता हूँ और जैसे हमारी ट्रेन आती ट्रेन में चढ़ जाता हूँ। बैठने की जगह तो थी नहीं, तो आराम से खड़े हो गए, ये पूरी जर्नी मैं ये अपनी कंप्लीट करता हूँ ऐसे व्यूज का आनंद लेते हुए। और आईफोन की क्वालिटी देख रहे हो कितनी गंदी हो गई है, पहले रात में शूट करता था कितना साफ आता था, बट अब देखो आ ही नहीं रहा साफ। एप्पल वाले यार ये बड़ा गलत काम करते हो, तुम लोग साले 1.5-1.5 लाख रुपए लेते हो उसके बाद भी ये काम करते हो, बहुत गलत बात है। बैक होम हरदोई, टाइम होने जा रहा है 7:30। फिलहाल इस व्लॉग को एंड करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा काम है मेरे पास, 3-4 व्लॉग एडिट करके अपलोड करने हैं रात भर में, कल सुबह 4 बजे निकलना है लखनऊ के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट आने वाला है आप लोगों के लिए।